आज हम बात करने वाले हैं टेफ्लॉन कोटिंग के बारे में कि क्यों इतना जरूरी होता है आपकी कार की पेंट को प्रोटेक्ट करने। तो टेफ्लॉन कोटिंग एग्जैक्टली चीज क्या है, किस कंपनी ने उसका इन्वेंट किया था, कब ये रजिस्टर्ड हुआ था, करंट सिचुएशन क्या है मार्केट में, उसके प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, कितने नहीं हैं, और उसके कॉम्पिटिशन में कितने सारे प्रोडक्ट हैं, आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं परीक्षित, ये जो कमेंट इन्होंने किया है, मैं उस बेसिस पे उनको थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रेंड हैं हमारे, सबका सेम ही क्वेश्चन होता है कि हम टेफ्लॉन कोटिंग कराते हैं बट आफ्टर 5 या 10 ईयर्स बाद वो कार में जो पेंट का जो डिफरेंस है, जहाँ पे हम टेफ्लॉन कोटिंग करा रहे हैं वहाँ पे कुछ अलग इफेक्ट दिखता है कलर का, और दूसरी जगह पे जहाँ पे टेफ्लॉन कोटिंग नहीं हो पाती जो इंटरनल पार्ट, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्यों नजर आता। तो आज मैं आपको वो क्लैरिटी देने वाला, एग्जैक्टली शोरूम वाले हमारे साथ क्या करते हैं, हमें किस तरीके से फोर्स करके क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, टेफ्लॉन कोटिंग जो है ड्यूपॉन्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, 1938 में उन्होंने ये रजिस्टर कराया था, और इसका जो कॉपीराइट्स है ये उन्हीं के पास हैं, और तब से अब तक ड्यूपॉन्ट ही इसका प्रोडक्शन देखता है, वही इसको मार्केट में लाता है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि एक केमिकल बेस्ड कंपनी है जो कमर्शियल यूज के लिए केमिकल्स प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन रिलेटेड हर तरह के केमिकल्स ही बनाते हैं। तो करंटली सिचुएशन ये है कि ड्यूपॉन्ट ने अपना ये प्रोडक्ट कैमोस इंडिया के नाम से, कैमोस इंडिया ड्यूपॉन्ट की ही कंपनी है, 2000 में ही उन्होंने ये प्रोडक्ट हैंडओवर कर दिया था कैमोस इंडिया। तो करंटली कैमोस इंडिया से भी हमारी बात हो चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनकी ऑडियो क्लिप मैं पे नहीं डाल सकता, ड्यू टू सम रीजन वो लोग नहीं चाहते कि ये मार्केट में इस तरीके से पब्लिश। कैमोस इंडिया का कहना यह है कि जो टेफ्लॉन कोटिंग है उन्होंने ये 20 साल पहले ही इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर मैं बात करूं तो सन 2020 चल रहा है, सन 2000 में ही उन्होंने ये डिसकंटिन्यू कर दिया था, किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये वो केमिकल प्रोवाइड नहीं करते। कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको ये बोल के कोई प्रोडक्ट सेल करती है, फिर कोई प्रोडक्ट यूज करके दिखाती है आपकी कार या फिर आपकी बाइक पे या फिर किसी भी कमर्शियल व्हीकल पे, ये टेफ्लॉन कोटिंग की वजह से शाइन आई है, तो गाइस वो फेक है। तो प्रेजेंटली सिचुएशन ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कोई भी ऐसा टेफ्लॉन रिलेटेड कोई भी केमिकल प्रोवाइड नहीं होता है, बिकॉज जो टेफ्लॉन प्रोडक्ट है प्रेजेंटली किचन अप्लायंसेस और होम अप्लायंसेस में उसकी कोटिंग की जाती है, क्योंकि हमारे किचन अप्लायंसेस और होम अप्लायंसेस जितने भी होते हैं वो बाहर के वेदर के लिए इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर एक लेयर की जाती है उनकी शाइनिंग के लिए। दूसरा ये कि कैमोस इंडिया कंपनी खुद बोलती है कि ये जो केमिकल है ड्यूरेबिलिटी के कारण, कस्टमर कंप्लेंट्स के कारण हमने ये डिसकंटिन्यू कर दिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। दूसरी चीज, जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, मारुति है, हुंडई है, ऑडी है, मर्सिडीज है, जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं सब बहुत बड़ी R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका जो डिपार्टमेंट, वो लोग बहुत रिसर्च करने के बाद ही अपना कोई पेंट मार्केट में लॉन्च करते हैं, मीन्स अपने प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं। वो लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी तक मार्केट में ऑफिशियली ये सब डिस्कस नहीं हुआ है कि टेफ्लॉन कोटिंग नाम का कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट दे नो कि अगर उनका मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसमें अच्छी क्वालिटी का पेंट यूज होना चाहिए। तो उनका जो पेंट होता है बहुत सारे टेस्ट को प्रूव करने के बाद जाके कार पे अप्लाई होता है, जैसे वेदर का क्या इम्पैक्ट आने वाला है या फिर डस्ट का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, एक्सट्रीम वेदर पे उस पर कैसे शो करने वाला है वो, तो ये सारी चीजें वो लोग ध्यान में रख के तब अपनी गाड़ियों में पेंट करते हैं। तो आपकी गाड़ी को किसी भी अदर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई नो कि जब आप लोग शोरूम जाते हैं तब आपको बोला जाता है कि सर आप ये टेफ्लॉन कोटिंग का पूरा पैकेज ले लीजिए, नेक्स्ट 10 या 5 ईयर्स तक हम आपकी हर सर्विस में टेफ्लॉन कोटिंग करेंगे, जिससे कि आपकी कार हमेशा शाइन करेगी और आपका कार का जो पेंट है कभी खराब नहीं होगा। लेकिन वो लोग टेफ्लॉन बोल के आपसे 10 या 12 हजार का पूरा पैकेज सेल करा लेते हैं, लेकिन वो लोग एग्जैक्टली यूज क्या करते हैं, वैक्स जो पॉलिश होती है वो वाटर बेस्ड पॉलिश है वो, या फिर बफरिंग के थ्रू आपकी कार की बॉडी को शाइन करा देते हैं, जिससे होता है क्या है कुछ टाइम तक के लिए तो आपका कार शाइनिंग दिखता है और जो भी वो रिजल्ट भी दिखता है आपको वैक्स होता है, सिंपल वैक्स, जो वैक्स जैसे फॉर्मूला 1 के नाम से एक प्रोडक्ट है, मैं अभी कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में इस नाम से भी एक प्रोडक्ट है जो कि आपको मिल सकता है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और बहुत सारे शोरूम ये भी करते हैं कि आपकी गाड़ी पे बोला कि हमने सर टेफ्लॉन कोटिंग किया, वो लोग करते हैं लैमिनेट के लिए पतली सी परत चढ़ा देते हैं, जो कि फ्यूचर में 1 या 2 साल के अंदर आपकी कार पेंट को बुरी तरीके से डैमेज करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो कार का पेंट होता है ऑलरेडी जो कंपनी करके
दे रही है वो फुल प्रूफ होता है कि वेदर में अगर हीट प्रॉब्लम भी आ रही है, फिर फ्रीजिंग प्रॉब्लम भी आ रही है, तो वो अपने हीट को अच्छे से रिलीज भी कर पाता है और उसको मेंटेन भी रख पाता है। बट जब हम उसके ऊपर कोई लेयर चढ़ा देते हैं, लैमिनेशन की कोई लेयर चढ़ जाती है, जो आपको तो दिखता है कि शाइनिंग है, जब आप कार अपनी लेने जाते हैं पॉलिश के टाइम, तो आपको लगता है वो आपकी कार कितनी शाइन कर, लेकिन होता ये है कि वो लोग या तो आपकी वैक्स पॉलिश करके दे रहे हैं या फिर आपके ऊपर कोटिंग कर दे रहे हैं, लैमिनेशन कर दे रहे हैं। तो वेदर का जो इम्पैक्ट है उस पन्नी पे जरूर पड़ता है, क्योंकि वो सब जो प्रोडक्ट है दिखने में बहुत थिन है, बहुत शाइनी होते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो जो इम्पैक्ट लाता है वो क्या लाता है, जहाँ पे आपका वो लेयर चढ़ा होगा वहाँ पे एक डिफरेंट कलर होगा, जब वो लेयर उतरती है तब एक डिफरेंट कलर आता है, क्योंकि जब बफरिंग होती है लैमिनेटेड वाली जगह है वहाँ पे अलग इफेक्ट दिखेगा आपको, और जहाँ पे लैमिनेटेड नहीं है वहाँ पे अलग इफेक्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे वेदर का अलग अलग इफेक्ट हो रहा है, वो हीट रिलीज नहीं कर पा रहा है, ये हीट रिलीज कर ले रहा है। तो कार की एज के साथ साथ पेंट में भी इफेक्ट आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई टेफ्लॉन कोटिंग हो रही है, मार्केट में कोई सिंगल प्रोडक्ट टेफ्लॉन नाम से नहीं है। अगर आपको कोई बोल के ही बेच रहा है कि टेफ्लॉन प्रोडक्ट है, तो गाइस वो फेक, आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, उसकी कंपनी से बात कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी है कैमोस इंडिया या फिर ड्यूपॉन्ट, जब वो लोग ही उस केमिकल को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेल नहीं कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, कस्टमर फीडबैक की वजह से या फिर मार्केट वैल्यू की वजह से, तो प्रोडक्ट कहाँ से आपको मिलेगा। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।